भारतीय मजदूर किसान वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायत में घोटालों को लेकर अपर जिलाधिकारी व खंड विकास अधिकारी मिश्री को ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चलें, ग्राम पंचायत परसपुर मजरा नौसहरा में कराए गए विकास कार्यों की जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग कुछ दिन पहले से ग्रामीण उठाते रहे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान ग्राम प्रधान कुलदीप यादव फर्जी तरीके से बीते 10 माह में विकास कार्यों के नाम पर लगभग 31 लाख रुपए की धनराशि निकालकर डकार गए हैं, जबकि इस धनराशि से ग्राम पंचायत में किसी भी मजरे में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया। मजरा नौसहरा के ग्रामीणों द्वारा कीचड़ भरी नालियों से निकलने पर अपनी मजबूरी बताई थी। संगठन के पदाधिकारियों ने इस ज्ञापन के माध्यम से आवास शौचालय सहित ग्राम पंचायत में सभी विकास कार्यों की जांच कराकर दोषी प्रधान और सचिव के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा किसी भी स्थिति में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इस अवसर पर शेरू, सरोज कुमार, सत्यपाल, आनंद कुमार, गुड्डू, कुलदीप, ब्रजलाल, नीलू आदि लोग उपस्थित रहे। भारत 24x7 लाइव के लिए सीतापुर से अरुण कुमार राज की रिपोर्ट। साथियों, इस वक्त खड़े हम नौशहरा गांव में, जो है जो परसपुर की ग्राम पंचायत है, यहां के मजरा नौशहरा में हम खड़े हुए हैं, जहां पर यहां के प्रधान बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं कि यहां पर मैंने बहुत कुछ विकास कराया है। विकास की हकीकत आइए हम ग्रामीणों से जानते हैं। जो है क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेरू है। अच्छा, यहाँ पर विकास कितना हुआ गांव में, जो है कितना प्रधान ने विकास कराया है? जो है यहाँ पर विकास एक रुपये का विकास प्रधान ने नहीं कराया। हमारे गांव में देख सकते हो कच्चे मकान और एक लेटरिन भी एक साल में नहीं है। एक लेटरिन ना एक कॉलोनी और ना हमारे गांव में कोई खड़ंजा ना आरसीसी कुछ भी नहीं हमारे गाँव में लगा है। वो आप अपनी आँखों से सामने से देख सकते हैं, इधर उधर सब पहुँच देख सकते हैं। प्रधान से कहना चाहते हैं कि 31 लाख रुपये गया कहाँ, ये हम पूछना चाहते हैं प्रधान से। और हमारे भाई क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये काम जो अधूरा पड़ा हमारे गांव में, चहला और कीचड़ सब कुछ है, ये बनना चाहिए। प्रधान ने दावा कर रहे हैं कि इतने आरसीसी हमने बनवाए हैं, रिबोर कराया, नल लगवाया है। अरे हमारे गांव में इतना काम कराया है, हमारे गांव में एक रुपये काम ना हुआ है। नल जो है 20 साल पहले से 4-5 लगे हैं, इसके ऊपर एक भी नल नहीं लगा हमारे। प्रधानी में कितना काम हुआ है? इनकी प्रधानी में कुछ भी काम हमारे गांव में नहीं हुआ। प्रधान देखने तक नहीं आते। हम ये चाहते हैं प्रधान कार्यों की जांच हो। 31 लाख का प्रशासन इनसे 31 लाख की जांच करनी चाहिए प्रशासन से कि ये 31 लाख रुपए प्रधान कहाँ लगा। नौसारा में तो एक पैसा भी नहीं लगा। ठीक है, आपका नाम? रास्ता नापी। क्या समस्या है बताओ? समस्या यह है, हमारे पत्नी का रहा है आवास, वो जो पैसा मजदूरी वाला आवाना है। कौन नाम से आवाज था? कांति देवी। मजदूरी का पैसा कितना आया खाते में? तनखा ना आया है मजदूरी का। तनखा ना आया? हाँ। फिर क्या करे? फिर क्या करे, मैं छठा गए ना हुआ ब्लॉक के यहाँ, ब्लॉक के यहाँ गए मालूम करें जाए। हाँ। तो फिर कहीं पैसा तुम्हारा निकल गया है। कहीं पैसा निकल गया है? हाँ। और पैसा खाते पर नहीं आया है? खाते पर नहीं आया। अच्छा, रोजगार सेवक से कहा? हाँ, कहे रहा तो कहीं पैसा निकल गया है। वो रोजगार सेवक पंकज मिश्रा 2000 रुपया मांग रहे हैं, तो हमारे पास पैसा ना रहे। हाँ। तो हमें खाते पर पैसा आवाना है। फिर यहाँ कहाँ आए हो? यहाँ सीतापुर। हाँ। हम आप विकास भवन में एप्लीकेशन दे आए हैं। ग्राम पंचायत वो मॉडल और ब्लॉक, ब्लॉक में छेटा। नाम क्या है? हमारा नाम नीरज है। कहाँ रहते हैं? नौसारा। ग्राम पंचायत परसपुर ब्लॉक मिश्री। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है सर, हम 3 भाई हैं, किसी को आवास ना है ना राशन कार्ड है, और प्रधान से कहा गया तो प्रधान कुछ सुनते ही नहीं गाँव में। और ये नाली 2-4 बार नाप ले गए थे यहाँ पे, इसको भी नहीं सुन रहे हैं। तो आप लोग कीचड़ में निकल रहे हैं? कीचड़ में निकल रहे हैं, ना आवास है, घर देखो कच्चे मकान में, कच्चा मकान है, गिरा पड़ा हुआ है सारा। इस संबंध में प्रधान से कहा है? प्रधान से भी कहा है, मेरे कागज वागज भी मांगते हैं, कुछ आते ही नहीं है, तो क्या करें। फिर प्रधान क्या कहा है? प्रधान कहते आ जाएगा, कुछ नहीं आता है इस गाँव में। किसी ने पैसे मांगते थे कुछ? पैसे जब आवास ही नहीं दे रहे तो पैसे क्या मांग करेंगे सर। अच्छा, मेरा आवास नहीं देगा। सूची में आपने देखा कहीं नाम वाम आपका नहीं है? नाम तो था मेरा, पर आवास एक बार मैं बाहर था तो कह रहे थे आई है, पर आई नहीं आवास मेरी। आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा राशन कार्ड बनाया जाए और जो हमें रहने के लिए मतलब कुछ दिया जाए, कॉलोनी आवास कॉलोनी कुछ दिया जाए रहने के लिए। हम 3 भाई हैं, तीनों की शादी हो गई है, कुछ भी नहीं है, बच्चे हैं।
अलग अलग रह रहे हैं सब लोग अलग अलग हैं साहब। एक 20,000 रुपया हमसे प्रधान ली रहे, हमारे कॉलोनी आई रहे और कॉलोनी ना मिली और आधार फोटो कापी और बैंक फोटो कापी अपने रख ली। कहाँ रहते हैं आप? नौसहरा ग्राम पंचायत परसपुर। अच्छा प्रधान कौन है आपके, किसने कौन से प्रधान ने लिया था जो है? कुलदीप। अच्छा प्रधान कुलदीप ने आपसे कागज लिए? कागज लिए। बैंक पासबुक आपकी ले ली जो सब लिए। और रुपया कितना लिया था जो? 20,000। अच्छा फिर कहा कि आपको आवास दिलाएंगे जो? हाँ। आपका कच्चा मकान है? कच्चा मकान है साहब। फिर क्या किया आवास? आवास में हम कहा कि साहब आवास मान आई है हम दौड़ दिन। अच्छा फिर कहा कागज ले लिया, पैसे ले लिए, फिर कहा आवास नहीं आई आपकी? नहीं। फिर कहा कब मिलेगी तो आप बताया नहीं? अगले साल देगा तब भाई दोबारा आई तब देगा। अच्छा आवास आपको नहीं दिया गया? नहीं दिया। हम यही चाहते हैं हमें गणपति की छाई बन जाए, 7 बच्चे हमारे हैं। नाम बचन क्या नाम आपका? मनोहर। परेशानी ना को प्रधान ना पी भी लेंगे सब कुछ कह लेंगे, नाली बनवाए ना। कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? हम यही रहते हैं, यही तो परसपुर में। अच्छा ग्राम पंचायत कौन सी? परसपुर है। गांव कौन सा? नौसहरा। अच्छा क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत भैया जाओ कीचड़ ही निकल रहे, कीचड़ निकल रहे हम लोग और ना पी लेगा सब कुछ, ना पैसा निकाली हुई कुछ करी ना, मतलब ना बनवाए रहे ना कुछ, मका लोगों ने बहुत परेशानी है। इस संबंध प्रधान से कई बार कहा है? कहे सब सभी ने कहा नाप की लेगी 2 बारी, लेकिन यहाँ पर नाली नहीं बनवाई। नाली नहीं बनवाई। आप लोग कीचड़ में निकल रहे हैं? कीचड़ में निकल रहे हैं, बहुत भय परेशानी हम लोगों के यहाँ। क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या मांगते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि नाली बन जाए, हमारे पर खड़ंजा सब बन जाए, सही सलामत हुई जाए, हम लोग निकली तो। प्रधान ने तो कह रहे हैं कि काफी विकास कराया गाँव में जो है, आपके गाँव में कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। ये प्रधान ने क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया हम लोगों ने, ना कॉलोनी मिली ना कुछ मिला, सबका मिली गाँव भर, कुछ नहीं हमारे पास है, कोई चीज नहीं है। क्या नाम है आपका? फूलमती पाल है सर। अच्छा क्या दिक्कत है आपको, कहाँ रहते हैं? जी हम नौसहरा में रहते हैं, हमारी ग्राम सभा परसपुर है। हमें दिक्कत ये है सर, हमारा पूरा मकान गिरा पड़ा हुआ है, ना कोई आवास है ना कुछ। हमारे जो पिताजी हैं इनको दिखता नहीं है, ना 60 साल, ना कोई पेंशन, कुछ भी नहीं है। और प्रधान कोई विकास नहीं कर रहा यहाँ पे। इसके लिए प्रधान से आपने कहा कई बार जो है? प्रधान से 27 साल बाद छूट गया। प्रधान से हमने कई बार कहा कि साहब हमारा देख लीजिए घर मकान, अगर हमको जायज हो तो हमें आवास दिया जाए, लेकिन प्रधान बोलते हैं नहीं तुमको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं जो है? इसके लिए कहीं शिकायत की आपने जो है? जी हमने प्रधान से ही शिकायत किया है और दूसरी जगह कहीं नहीं शिकायत किया है। मैं चाहता हूं कि हमें सरकार हमारा घर मकान चेक कर ले, अगर हमें जायज हो मिलना चाहिए तो मिले। आप क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि सर हमें ना कुछ मिले तो हमारा आवास और राशन कार्ड तो बनना चाहिए। ना मेरे पास राशन कार्ड है, 4-5 बच्चे हैं, मैं खुद 2 साल से बीमार पड़ा हुआ हूँ, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। ठीक है आपका नाम? महिपाल है मेरा नाम। कहाँ रहते हैं भैया? नौसहरा गांव में। ग्राम पंचायत? परसपुर। ब्लॉक? मिश्रिक। अच्छा क्या दिक्कत है आपको? हमका साहब दिक्कत बहुत बड़ी, हर चीज की दिक्कत है आपके यहाँ। हमारे वहाँ खड़ंजा भी नाप ले गए थे प्रधान, वो भी नहीं बनवाया, और गैया भी बहुत छुट्टा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। और आपको आवास वगैरह को दिया गया? कुछ नहीं मिला हमको। यहाँ पर गांव में क्या और विकास कार्य कराए गए? हमारे गांव में विकास होना चाहिए बहुत, जिसे नाली है, खड़ंजे हैं और कॉलोनी है। क्या कराया अभी तक विकास कार्य प्रधान ने? कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं, 1 रुपया का नहीं विकास हुआ है। कितने आवास दिए आपके गांव में जो है? 1 रुपया का आवास नहीं मिला है किसी को, आवास और शौचालय किसी को कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, रिबोर है कुछ जो है? हाँ रिबोर एक हुआ था, एक नल रिबोर हुआ, बाकी नल नहीं लगे। बाकी नल नहीं लगे? नहीं लगे। क्या चाहते हैं आप जो है? हमारे गांव में बस हम यही चाह रहे हैं कि हमारे गांव में विकास होना चाहिए, हमारी जनता खुश होगी तो उनको फिर भी प्रधान बना सकती है। अगर गैया वैया जैसे पकड़वा ले बन तो हमारा कच्चा मकान। विकास नहीं हो रहा है। कहाँ रह रहे हैं? नौसहरा। अच्छा क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत हमारे वहाँ हर प्रकार की सभी दिक्कतें हैं। ना हमारे गाँव में कोई विकास हुआ है, ना हमारे वहाँ इतनी गैया है, सब कुछ नहीं रख रहे हैं। हमारे गांव के आसपास हमारा सारा गांव गरीब है, यहाँ 50 गांव के बीच में हमारा गांव सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे गरीब है बेचारा। हमारे गांव के आसपास पेशाब और टट्टी फिरने के जगह जगह सारी बाहरी लोगों की है। देखा जाए तो हमारे गांव जैसे माचिस का खोखला होता है, इस तरीके से हमारा गांव पूरा खोखला है। विकास न होने के लिए आप कोई नहीं हुआ है। लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था जो है, वोट का बहिष्कार ये किया, पछू इतने हैं गैया बटाई सटाई सब जोत बह रहे हैं, लोगों की खेती कर रहे हैं, उसमें रात दिन बचा रहे हैं हम लोग, और उसके बाद में सारा नष्ट कर देती हैं गैया।
राज बहुत परेशान है। उसका बहिष्कार किया था, उसके बाद क्या हुआ? कोई यहाँ प्रशासन का कोई व्यक्ति आप लोगों से मिलने आया था? कोई मिलने कोई यहाँ नहीं आया है। प्रधान जी हमको सुनाने में मिला, हम थे नहीं मौके पर। वो आए यहाँ पुलिस लेकर कागज सारे नचवा दिए, सब जो लिखा था उसमें पशुओं के बारे में। और हमारे गांव में कॉलोनी आई थी, वो हमारी भी औरत की आई थी कॉलोनी, सारे प्रूफ जमा करवा लिया प्रधान ने, बैंक पासबुक आधार कार्ड सारे यस जमा करवा के कहा कि 8 दिन में पैसा आएगा। आज समय बहुत हो चुका है, हम पीछे पीछा कईयों बार वहाँ गए, फिर कहने लगे पता अपना लगाइए, मैंने कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अपने घर आ गया, चुप्पे से बैठा हूँ। लेकिन आप अपने गांव के लिए क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम मांग यही करते हैं, हमारे गांव की जांच कर ली जाए। और हमारे गांव का यह हमको पता नहीं है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विक्रम है, ग्राम नौसारा से बोल रहा हूँ। मौजा मेरा परसपुर है, तहसील मिश्रिक है। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या ये है, पहला नंबर तो गऊओं का वादा किया था उसने, गौशाला गांव में 2 लेबर करके बनवाया। किसने? ये इसका का नाम कुलदीप ने, प्रधान ने। अच्छा। कुलदीप प्रधान है। 2 लेबर लगा के बनवा लिया, बल्ली उल्ली बंधवाया, उसके बाद 2 बोझ अपने में से अघोरा कटवा के गन्ने का, उसके बाद उसको खवाया, और जब वीडियो बनवा लिया वहाँ की फोटो ले लिया, उसके बाद वो लेबरों से कहा ये गन्ना हमारे घर में डाले आओ, पैसा निकाल लिया, और यहाँ वादा कर दिया 4-5 दिन में हमने गैया पूरी पकड़वाएंगे। एक गैया नहीं पकड़वाया, गैया पकड़वाता नहीं, और हड़कबाजी ऊपर से दिखता है, दिखाता है। अगर कोई हमारे खिलाफ कोई यहाँ कागज पर्चा लगवाया तो आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। नहीं तो आपके खिलाफ कर दो, क्या हम लोगों ने वोट का बहिष्कार किया था, आप लोगों ने जो है गाय अगर नहीं पकड़ी जाती तो हम सीधे आपकी लड़ाई प्रशासन से, ना कि प्रधान से। हाँ, प्रधान क्यों? और पहला नंबर वो इतना तो गुंडा है, बिलोरो लाया, 31 लाख रुपये उसने कहड़ा, और 4-5 लड़के जो है उसकी उसी के बिरादरी बिठा के यहाँ गाँव के आस पास में बागों में दारू बैठ के पीता है, ठीक है। और दूसरा नंबर, हमारे गांव के अंदर कोई विकास नहीं किया, ना कोई लैटरीन आई, ना तो हमारे कॉलोनी आई गांव के अंदर, नाली नपवा के ले गया, पैसा पूरा निकाल लिया, एक खड़ंजा नपवाया, उसके बाद उसका भी पैसा निकाल लिया, इधर तो देखने आता नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं हमारे यहाँ की नालियाँ बने, और हमारे यहाँ का खड़ंजा बने, नल बने, और उसके बाद गौवे सारी पकड़वाए और विकास करे जो हो। हम और प्रधान की जांच होना चाहिए कि ये रुपया गया कहाँ। 31 लाख में 31 रुपये का तो काम किया है नहीं, वादे तो बहुत बड़े करता है, ठीक है। वो बस शराब के वादे करते, शराब पीता है, गुंडों के पास जाता है, गुंडे ही दिखाता है, जो गुंडा कहते हैं वही काम करता है।